हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपेक्स यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सचिन रावत और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, बहुत से पौधे जो बरसात के मौसम में फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, उनमें से एक है ये सेवन ओ क्लॉक। बरसात के लास्ट तक, सर्दियों की शुरुआत में फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। और इसके अलावा दोस्तों, बरसात में कुछ पौधे हैं जिसकी आपको ख़ास देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अडेनियम हुआ। इनमें आपको पानी से बचाना होता है, बहुत ज़्यादा पानी आपके गमले में ना जमा होने पाए। और दोस्तों, इसके अलावा आप जरबेरा के पौधे हुए, जो दोस्तों जरबेरा के पौधों को गर्मियों में शेडी एरिया में रखना होता है तथा इस मौसम में आपको ज़्यादा बरसात से बचा कर रखना होता है। आपकी हल्की फुल्की बरसात हो रही है तो कुछ नहीं, आपके पौधों के लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर आपके ज़्यादा बारिश हो रही है और गमले में लगातार वाटरिंग हो रही है तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है और उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। इसीलिए जरबेरा के प्लांट्स को बरसात में बहुत ज़्यादा वाटरिंग से बचाना होता है। इसके अलावा दोस्तों, क्रोटन्स, देखिए क्रोटन्स जो है वो इंडोर आउटडोर दोनों जगह चलने वाला पौधा है। इंडोर अगर आपने रखा है तो पानी आप अच्छे से ध्यान रख ही रही हैं, लेकिन अगर आपने आउटडोर रखा है तो दोस्तों बारिश के मौसम में उसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोटन के पौधे में भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर आपका गमले के नीचे का क्षेत्र ब्लॉक हो गया है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप पलटवा कर फिर से गमले में अच्छे से मिट्टी भरकर पौधा लगा सकते हैं। और दोस्तों, बारिश के मौसम के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि इस मौसम में बहुत से पौधों की कटिंग लग सकती है। जैसे कि आपने इससे पहले देखा कि क्रोटन्स की पौधे की आप कटिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा गुड़हल, चांदनी, रात की रानी और भी बहुत से पौधे हैं जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं। गुड़हल, चांदनी, रात की रानी ऐसे जो पौधे हैं, इनकी कटिंग आपको लमसम आप पेंसिल के बराबर या फिर अपनी छोटी उंगली के बराबर मोटाई की लेनी है। और इन्हें मिट्टी, हल्की मोरंग और हो सके तो थोड़ी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर, वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, पुरानी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, मिलाकर आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप बरसात के मौसम में इन्हीं सब पौधों में गोटी बांध कर भी इन्हीं पौधों को तैयार कर सकते हैं। बरसात के मौसम में और भी आप बड़े पौधों में जैसे कि अमरूद, नींबू, संतरा आदि और बहुत तरह के पौधों में गोटी बांधकर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। गोटी बांधने की प्रक्रिया हमने इससे पहले की वीडियो में बता रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं जिसमें हमने अमरूद के पौधों में गोटी लगाई थी। तो दोस्तों, यह है, जैसा कि ये गुड़हल का पौधा है, इसकी यहाँ देखिए लंबा लंबा सीधा बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम कटिंग भी कर देते हैं और इसकी कटिंग हम अलग अलग पॉली बैग में लगा देंगे। और यह है दोस्तों डबल चांदनी का पौधा, इसका फूल सफ़ेद कलर का होता है और हल्की महक होती है डबल चांदनी में। और जैसा कि ये सीधे सीधे लंबे में बढ़ गया है, इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, इससे इसके अगल बगल से कल्ले भी आ जाएंगे जिससे पौधा बुशी लगेगा और इसकी जो कटिंग है वो हम अलग अलग पॉली बैग में लगा देंगे। और दोस्तों, इसी तरह आप रातरानी का भी पौधा इसी मेथड से लगा सकते हैं और सिंगल चांदनी भी आप इसी तरह कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत से पौधे हैं जिनकी आप कटिंग बरसात में नहीं लगा सकते हैं, जैसे गुलाब हुआ, गुलाब की कटिंग आप बरसात में मत लगाइए, नहीं तो आपके कटिंग एक भी नहीं चलेगी, उसमें उसकी कटिंग में फंगस लग जाएगा। कटिंग लगाते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि नमी इसमें उतनी ही रहे जितनी ज़रूरी हो, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए आपके किसी भी पॉली बैग या फिर गमले में। और दोस्तों, बरसात सबसे अच्छा मौसम इसलिए होता है क्योंकि इस समय नव हवा में नमी होती है, इससे आपकी कटिंग के ऊपर का हिस्सा जल्दी से सूखने नहीं पाता और आराम से रूटिंग
डेवलप हो जाती है, रूट डेवलप हो जाती है। जिन पौधों की कटिंग आप बरसात में लगा सकते हैं उनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि आप बरसात में कुछ पौधों की कटिंग लगा सकते हैं और कुछ पौधों की आप अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।